दक्षिण पूर्वी जिले के सरता बिहार के पॉकेट बी ब्लॉक में लग रहे एयरटेल के टावर का स्थानीय लोग और आरडब्ल्यूए के लोगों ने विरोध किया है। वहीं आरडब्ल्यूए के लोगों का कहना है कि इस टावर का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि टावर से निकलने वाले रेडिएशन से हमारे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए काफ़ी घातक होता है। वहीं रेडिएशन के कारण कैंसर होने का खतरा रहता है और यह टावर नियमों को ताक पर रख कर के यहाँ लगाया जा रहा है और यह MCD की मिली भगत के कारण यहाँ पर लगाया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने रिहायशी इलाके में टावर लगाने की अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें कि वहीं RWA और स्थानीय लोगों ने बात करते हुए बताया कि सरता बिहार के पॉकेट बी ब्लॉक के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ टावर लगाया गया तो इलाके में बीमारियाँ फैलने लगेंगी, साथ ही कैंसर का खतरा भी बढ़ जाएगा। और उनका कहना है कि इसको लेकर के एक बार हमने निगम पार्षद से शिकायत की थी। वहीं स्थानीय निवासी राजेंद्र छाबड़ा ने बताया कि हमें इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी, पहले बता रहे थे कि हाई लाइटिंग का काम चल रहा है, लेकिन हमें 2 दिन पहले ही पता चला है कि यहाँ पर टावर लगाया जा रहा है और उसको लेकर के हमने विरोध भी किया और हमारे पास कई डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन अगर टावर यहाँ पर लग जाएगा तो इससे रेडिएशन निकलेगा और उससे बच्चों पर काफ़ी असर पड़ेगा। पास में ही चिल्ड्रन पार्क है और उसके पास साइड के ही इस टावर का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष देखा गया है और उनका कहना है कि MCD की मिली भगत से कंपनी ने टावर लगाने का काम शुरू कर दिया है और इसको लेकर के स्थानीय लोग परेशान हैं और RWA के लोगों ने भी कई बार शिकायत की है, लेकिन MCD के डिप्टी कमिश्नर भी हमारी समस्या पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद मजबूरन हमें इसको लेकर के विरोध करना पड़ा। सुने जरा स्थानीय लोगों की जुबानी को। ये कि जो टावर लग रहा है ये बेसिकली पार्क है, यहाँ सारे बच्चे शाम खेलने आते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये बहुत ही क्लोज है जो बिल्डिंग के है, तो इससे लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके रेडिएशन से बच्चों को ब्रेन इश्यू हो सकता है, जो ओल्ड एज के हैं उनको बैक प्रॉब्लम हो सकती है, देयर कुड बी मल्टीपल इश्यूज। तो ये मेरी एडवाइस ये है कि इसको वहाँ लगाया जाए जहाँ पर डेंसिटी कम हो रेजिडेंस की, जहाँ पर लोग कम रहते हों। अब यहाँ लगवाने से क्या होगा कि सिंस इट द सेंटर ऑफ द पार्क है, यहाँ शाम से लेकर दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं, तो आप उसके बगल में लगा रहे हो तो ये बहुत हार्मफुल है फ्यूचर के लिए। सब कर रहे हैं बट ये कोई आया नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ नियर बाई रहते हैं, सपोज हमारा फ्लैट 50-50 है, एक्शन है, एंड ये इस तरह का टावर रेजिडेंशियल एरिया में तो अलाउड ही नहीं है। सो पहला स्टेप तो RWA को लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे कि ये आज नहीं होगा, आज से, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो रिस्क पर है, जितने भी फ्लैट्स हैं उन सबको रेडिएशन का नुकसान है, जो इनको नहीं समझ में आ रहा तो इनको देखना और समझना पड़ेगा इस चीज़ को, एंड दे हैव टू टेक एक्शन। और कंप्लेंट तो अंकल करेंगे ही, उसमें भी हम सारे साथ खड़े होंगे, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर। सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे को ही है और हम बच्चों को नहीं निकलने दे सकते। इनफैक्ट पार्क के अलावा हम बच्चों को वैसे भी रोड पर बाहर नहीं निकलने दे सकते। आप देखें ना, टावर आसपास पार्क है, ज़रा सी तो सड़क है सोसाइटी के अंदर, फ्लैट्स के अंदर, उसमें भी अगर ये इतना बड़ा टावर लगा देंगे बच्चे तो बाहर ही नहीं निकल सकते, बच्चे क्या बड़े भी नहीं निकल सकते कोरोना काल में। मगर वेरी रॉन्ग थिंग, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा, ये होना ही नहीं चाहिए था। राजेंद्र छाबड़ा, छाबड़ा जी सर, ये तो भैया हमको तो आज 2 दिन कल रात शाम को मालूम पड़ा है कि यहाँ टावर लग रहा है। बेलपैकी से पूछा गया, उसने इलेक्ट्रिक का पोल लग रहा है यहाँ पर, और ये तब बता कि एयरटेल का यहाँ टावर लग रहा है। तो यहाँ पर जो अभी देखिए, मेरा घर यहाँ से 2-3 मीटर की दूरी पर है, और इसके जस्ट बैक में 1 मीटर के पीछे ही, 1 मीटर के पीछे यहाँ पार्क है, चिल्ड्रन पार्क, जहाँ बच्चे खेलते हैं, ये झूले लगा रखे हैं बच्चों ने, MCD ने यहाँ पर लगा रखे हैं, और किसी को नहीं मालूम, विदाउट एनी कंसर्न आस पड़ोस किसी RWA ने पूछा नहीं उनको ये टावर बनने परमिशन दे, इसका मतलब RWA ने बोला होगा उनको, या किसी ने बोला होगा, या MCD वालों ने बोला होगा, तो ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं यहाँ पर टावर। आप से पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, MCD में कंप्लेंट करेंगे, और अपने काउंसलर को भी चिट्ठी डालेंगे, MP को भी चिट्ठी डालेंगे। अब अभी कोई बात नहीं हम लोगों की, आज कोई बात नहीं है हमारी, किस तरीके से आगे, बस आगे प्रोसीजर है, ये हमारे साथ कुछ जजेंस वाले खड़े हैं, ये सब मिलके अभी डिसाइड करने लगे हैं अब विद इन हाफ एन आवर कि हम लोग क्या क्या इस पर एक्शन ले लें, कि उनको किस किस चिट्ठी लिखेंगे। वो भी राज बड़ुआ, एक्चुअली ये उसका तो कोई दूसरा ओपिनियन है नहीं कि ये हार्मफुल तो है, एंड लाइक ये एकदम बीच में, जो पार्क के बीच में और घर का जो डिस्टेंस भी है, जो गाइडलाइंस मतलब मुझे हमें जो मिला उसके अगेंस्ट पे है सारा चीज़, वो मतलब जो डिस्टेंस बताया हुआ है उससे अंदर, मतलब उसके अंदर पे ही रखा गया है सारा चीज़, तो उससे ऐसे डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम होने के बाद हम कुछ बोले, उससे अच्छा कि पहले ही कुछ
बोले, और अथॉरिटी इससे आगे आए और उनको मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि इसमें अगर वो लोग हमें बोलते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा पूरा फ्री एंड मतलब उसमें, तो अलग चीज़ है, बट वो एक ग्रे जोन पे रख के पूरा काम को कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट एडवाइस। आज से 4 साल पहले रोहिणी के साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंगली बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें ये बोला जाता है कि उसमें इफेक्ट तो है, लेकिन सबको पता है कि ये कुछ थोड़ा थोड़ा दबाया दिया भी जाता है, बट इफेक्ट तो ज़रूर है उसमें। अनलाइक हमें पहले है तो हमें अभी कुछ होने से पहले ही कुछ करना चाहिए रादर देन बाद में कुछ उसको आगे लाए। डॉक्टर साहब करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे कांस्टेंट रेडिएशन के कारण ये डेफिनेटली होगा। फिलहाल आप मनीष चौधरी निगम पार्षद पति सरता विहार को सुने। ये पहले जो टावर की परमिशन है ये ऊपर से इसको टावर्स की परमिशन ये लेके आए थे, और ऐसे लगभग कई सारे टावर जैसे कि के और एल पॉकेट पार्क में, जी पॉकेट में, ए पॉकेट में, बी में, एल पॉकेट में, इनमें ये टावर्स लगाए जा रहे थे। जी पॉकेट की RWA कोर्ट गई, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है। ऐसे ही ये बी पॉकेट का टावर आज से लगभग 7-8 महीने से लगाने की कोशिश कर रहे हैं और निरंतर हम इसको रुकवाते हुए आ रहे थे। उसके बाद RWA ने उनसे बात करी, और क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क के इशूज़ भी हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, कॉल ड्रॉप होने की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो RWA ने उनको कोई दूसरा स्थान दिया था। दो स्थान बताए थे, एक स्थान जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से फुलफ़िल नहीं हो पाया, जो दूसरा था वहाँ पे वो लगाने चले, तो वहाँ पे रेजिडेंट विरोध कर रहे हैं। मैं अभी मेयर से बात करने वाला हूँ कि कैसे भी करके इस टावर को रुकवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें क्या मदद मिल सकती है वो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। पार्क में सेठी पार्क में लग रहा था, दुर्गा पार्क में, और दुर्गा पार्क में से हटवा दिया था, बाहर कहीं जगह दी थी, और वहाँ पे भी कुछ रेजिडेंट मुझे रात को ही पता लगा RWA के द्वारा कि कुछ रेजिडेंट वहाँ अभी भी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ नहीं लगना चाहिए। देखिए मैं भी इस चीज़ के विरोध में हूँ कि पार्क के अंदर या कहीं आप रेजिडेंशियल एरिया में टावर लगा रहे हैं, लेकिन ये लगना भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही है क्योंकि फ़ोन और नेटवर्क का इशू इतना ज़्यादा चल रहा है। तो अभी हम कर रहे हैं, अभी आप इसको 3 दिन के लिए रुकवाया है। अच्छा। और अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे भी करके इसको करा जाए, क्योंकि हमने एक ऐसी जगह दी थी जहाँ पे सारे रेजिडेंट चाहते थे कि यहाँ दी जाए, लेकिन वो जब ऊपर से ही देखते हैं कि कहाँ ज़रूरत है उनकी टेक्निकल टीम आके, तो वहाँ वो उसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके आसपास ऑलरेडी दो ऑलरेडी टावर थे, तो वहाँ पे वो उसको मंजूरी नहीं मिल पाई। अभी हम कर रहे हैं इसमें कि कैसे भी करके इसको रुकवाया जाए, क्योंकि एल पॉकेट की RWA भी कोर्ट चली गई थी, हमने ही उनको कोर्ट भेजा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरीके से, जिस तरीके से पानी हवा होती है ऐसे ही इसको एसेंशियल सर्विसेज में घोषित कर दिया है कि टावर भी उतना ही ज़रूरी है जितना हवा, पानी, बिजली है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं अभी मेयर साहब से बात करने वाला हूँ, थोड़ी देर पहले ही मेरे पास फ़ोन आया है, हमारे B59 से छाबड़ा अंकल है उनका, हाँ, तो अभी हम कर रहे हैं उसमें कि क्या हो सकता है। छाबड़ा जी के घर के सामने के आसपास लग रहा है, वो पार्क के अंदर नहीं लग रहा, पहले पार्क में, दुर्गा पार्क में लग रहा था, वहाँ से हमने हटवा दिया था। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।